हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। तो इन्होंने क्या कहा हमारा, 1/17 को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं वो कितनी होंगी, मतलब जो हमारे डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं वो हमारी कितनी डिजिट्स हैं, ये हमें बताना है। और आगे हमें क्या कहा गया, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें डिवीजन करके देखना है कि हमारा आंसर क्या है और कितने डिजिट्स हैं जो हमारी बार बार रिपीट हो रही, कितने ब्लॉक्स हमारी। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1/17 इज इक्वल टू, तो दोस्तों अब हम डिवाइड करते हैं 1/17। जो हमारा 17 है 1 से छोटा है, मतलब 1 हमारा 70 से छोटा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगा रहा है तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। 10 अभी भी हमारा 70 से छोटा है तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। अगर हम यहाँ पर जीरो लगा रहे हैं तो साथ में हमें अंदर भी जीरो लगाना होता है, ये हमने लगा दिया। अब हमारा 70 से बड़ा, अब हमें देखना है कि ये कहाँ पर डिवाइड हो रहा है हमारा, तो ये हमारा कहाँ पर डिवाइड है, 75 जा 85। अब हम 100 - 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15। कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 15। तो दोस्तों, 70 से छोटा हमारा 15, तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे, पॉइंट हमारा लगा हुआ है, ये हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 8 जा 151 - 136 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14। कितना आ जाएगा हमारा, 14। 70 से छोटा हमारा 14, तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। तो अब हमें देखना है कि 17 के टेबल पर कहाँ डिवाइड हो रहा है, 140 - 136 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4। ये हमारा 70 से छोटा है 4, तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। अब हमें देखना है कि हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 2 जा 34। 40 - 34 कितने करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6। 40 - 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6। ये हमारा 70 छोटा है तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। अब हमें देखना है कि हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 3 जा 51। 60 - 51 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9। 70 से छोटा हमारा 9, तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। अब हमें देखना है हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 5 जा 85, यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। 90 - 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5। 70 से छोटा हमारा 5, तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। अब हमारे कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 2 जा 34। ये हमारा 2 से डिवाइड है, 17 2 जा 34। 50 - 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हम डिवाइड करके बताते हैं आपको, 50 - 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16। कितना आ जाएगा हमारा, 16। हमारे 70 से छोटा है 16, तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। तो यहाँ हमारे कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 9 जा 153 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7। 70 से छोटा हमारा 7, तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। अब ये हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 4 जा 68, यहाँ पर हम 4 लगा लेते हैं। 70 - 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2। ये हमारा 70 से छोटा है 2, तो हम यहाँ पर जीरो लगा लेंगे। तो ये कहाँ पर डिवाइड हो रहा है हमारा, 17 1 जा 17। 20 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 20 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3। ये हमारा 70 से छोटा है 3, तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। ये अब हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 1 जा 17। 30 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13। कितना आ जाएगा हमारा, 13। ये हमारा 70 से छोटा है 13, और यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। अब ये हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 7 जा 119। 130 - 119 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 11। कितना आ जाएगा हमारा, 11। हमारा 11 70 से छोटा है, तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। ये हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 76 जा 102। 110 - 102 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8। 70 से छोटा हमारा 8, तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। अब ये हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 17 4 जा 68। 80 - 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारा अभी ये 5, मतलब ये हमारा जो हमने डिवीजन कर रहे हैं हमारा, ये अभी हमारा रह रखा है, हाफ रह रखा, तो यहाँ पर हम आपको डिवीजन करके दिखाएंगे। 80 - 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12। कितना आ जाएगा हमारा, 12। ये हमारा 70 छोटा है, तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। तो अब ये हमारा कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये हमारा कहाँ पर डिवाइड है, 17 7 जा 119। 120 - 119 करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 1। तो ये हमारा 70 से छोटा है 1, तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। तो दोस्तों, अभी भी हमारा 70 से छोटा है 10,
तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। अगर हम दूसरी जीरो लगा लें तो साथ में हमें यहाँ पर भी लगा दें, लगानी होती है, यहाँ पर भी लगाने होते हैं तो यहाँ पर भी लगा लेते हैं। अभी हमारा कॉपर डिवाइडर है 75 या 85। 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। ये हमारा 70 से छोटा है 15, तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। अभी हमारा कॉपर डिवाइड हो रहा है 17 8 जा 136। 150 माइनस 136 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमारे ये अब हमारा डिवीजन, हमारे जो डिवाइड है डिवीजन रिपीट हो रहा है। अगर आप देखेंगे 100 में से माइनस ये हमारा यहाँ तक हमारा ठीक था, लेकिन आगे हमारा ये रिपीट हो रहा है। ये हमारा देखिए 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। देखो यहाँ पर 100 माइनस 85, ये देखिए बिल्कुल सेम हमारा 150 150 136 136। ये हमारा डिवीजन रिपीट हो रहा है, तो हमारा क्या होगा वो 0.058825294111764700। जीरो नहीं लगी। ये जो हमारी डिजिट्स हैं ये हमारी रिपीट हो रही है, तो इसका आंसर क्या है हमारा 1/17 इज इक्वल टू क्या है हमारा 0.058823529411767। ये जो हमारी डिजिट है 0.058823529411767, ये हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो हमारी कितने डिजिट है जो हमारी रिपीट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारी 16 ब्लॉक्स हैं जो हमारी रिपीट हो रही है, 16 डिजिट्स हैं, तो ये हमारा आंसर क्या है 16 ब्लॉक्स। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताने कि आपको कैसे लगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।